जय श्री राधे। इस संसार में हमारा जन्म होने के बाद हमारी क्या प्रायोरिटी है, शायद हम भूल चुके हैं। शायद हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, और बड़ी लंबी चौड़ी भाग दौड़ करने के बाद हमें वो चीज ना मिले, इस दुख से हम हताश, परेशान और निराश हो जाते हैं। और बाई चांस जिस चीज के लिए हमने मेहनत करी है, गधा मजदूरी की है, मिल जाती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस सुख के चाह के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, इतना प्रयास किया है, वो हमें मिलेगा, या फिर कितना मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, इस सब की कोई लिमिट नहीं है। और अगर उस सुख की कोई लिमिट नहीं है तो हम ऐसी लिमिटलेस चीज के पीछे क्यों भागे। सीधी सी बात है, हमारे इस संसार में जन्म लेने का एक ही कारण है, एक ही रीजन है, भगवान की प्राप्ति करना, निज धाम की प्राप्ति करना, निकुंज की प्राप्ति करना। अब सवाल यह आता है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि जब हमारा शरीर छूटता है, जब हमारे प्राण निकलते हैं, तब उस आखिरी मिनट में हमारी क्या चेतना होती है, हमारी क्या सोच होती है, हमारी क्या मानसिकता होती है, उस समय देखना यह होता है कि हमारा चिंतन क्या बन रहा है। और इन सब बातों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है, और ये बात भी निर्धारित होती है कि अगला हमारा जन्म होगा भी या नहीं। और हमारा अगला जन्म अगर नहीं होना होता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारा इस संसार में जिस काम के लिए जन्म हुआ था वो काम हमारा पूरा हुआ, मतलब भगवान ने हमें अपनी शरण में रख लिया, हम उस परम चेतना को प्राप्त कर चुके हैं जिसके लिए इस संसार में आया और जाया जाता है। ये तो हुई मुक्ति वाली बात। अब अगर हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमें संसार में आकर के करना है, तो जिस चेतना के साथ हम मरे हैं उसी चेतना के साथ हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और वापस प्रयास करना होगा कि परम सत्ता की प्राप्ति कैसे हो, परम सत्य की प्राप्ति कैसे हो। वास्तव में हम लोग उन्हीं चीजों को, उन्हीं दुखों को लेकर के बैठे होते हैं जो इस संसार की है, और हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज इस संसार की है वो नाशवान है, कभी ना कभी उसे नष्ट होना ही है। और जब तक हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को इसी संसार में लगाए रखेंगे, जब तक हम खुद को एक शरीर, एक बॉडी, एक मटेरियल मानते रहेंगे, तब तक परेशानियां, दुख और अवसाद बने रहेंगे। जब तक हम अपने मन को इस बात के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर लेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, स्पिरिट है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, डिवाइन सोल को पाना है, तब तक हम जीते और मरते रहेंगे, चाहे जितना भी टाइम क्यों ना निकल जाए। इसीलिए हमें अभी से जुटना होगा सत्यता की खोज करने के लिए। हमें अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्ण भक्ति में लगाना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जय श्री राधे।